हेलो नमस्ते, कैम छो बदा। आज पहली बार रिवर साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग। आज है 3 जुलाई। ये पूरा व्लॉग आप घर कैसे ढूंढे इन कनाडा, इफ़ यू आर लाइक कमिंग हियर इन फॉल इंटेक, मे इंटेक और समर इंटेक, वॉट एवर फॉल और मे, तो दोनों सेम हो गए। तो मैं मतलब आप जब भी आ रहे हो आपको घर कैसे ढूंढना है, बहुत लोगों को परेशानी रहती है, क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं इस वीडियो में पूरा आंसर उसका दूंगा। तो दो मेथड है, एक तो आप ऑनलाइन से भी जा सकते हो, ऑफलाइन से भी जा सकते हो। ऑनलाइन मेथड में आप इंडिया से, मतलब इंडिया या कोई भी जो भी कंट्री से आप हो, तो आप घर ढूंढोगे। तो लाइक देर आर टू प्लेटफॉर्म्स, कीजी और मार्केट प्लेस है। तो उधर से आपको मतलब जो वर्चुअल टूर या जो भी बोल सकते हो, तो उसके फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह रहते हैं। हाँ फेसबुक पे, हाँ सॉरी फेसबुक पे कीजी और मार्केट प्लेस, तो उधर ही आपको मतलब घर के सारे फ़ोटोज़, कितना रेंट रहेगा, यूटिलिटीज इंक्लूडेड रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सारा कुछ उधर लिखा हुआ होगा। तो उधर आप घर के सारे फ़ोटोज़ देख सकते हो और उधर से ही आप डील फाइनल कर सकते हो। एक वो प्लेस है, और दूसरा ऑफलाइन ये है कि आप खुद इधर आओ और खुद ढूंढो घर अपने लिए कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, किस में क्या यूटिलिटीज इंक्लूडेड है क्या नहीं, वो आप खास करके देखो कि यूटिलिटीज़ कौन कौन सी इंक्लूडेड है, बिकॉज वो भी मैटर करती है एट द एंड। और ऑफलाइन में आप दूसरा जो मैंने किया था, लाइक आप इंडिया में, इंडिया से आप कोई भी घर फाइनल करो और आपका कोई फ्रेंड इधर है तो उसको भेजो देखने के लिए कि घर जैसा दिख रहा है वैसा ही है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास आप स्कैम से बच जाओगे। और मार्केट प्लेस पर आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो उधर में भी है ना, आपको ईमेल आईडी या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई ना कोई मतलब अवेलेबिलिटी होगी, या तो फ़ोन नंबर दिया होगा या फिर ईमेल आईडी होगी। उधर आपको ईमेल करना है तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हो, और फिर आप मतलब जो भी रेंट की जो भी बात है, मतलब कई बार बार्गेनिंग भी होता है, तो आप वो देख लेना। और कितने मेंबर आप रहने वाले हो वो पहले से डिसाइडेड हो तो अच्छा है, तो उस हिसाब से आप रेंट की बात कर सकते हो। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी इंडिया से निकलो तो पहले डिसाइड करके रखो कि कौन कौन बंदे आपके साथ में रहने वाले हैं, तो इधर आके क्या इजी रहेगा आपको मतलब सबके साथ मतलब मैनेज करना, बिकॉज आप पहले से एक दूसरे को जानते होगे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आया था तो मैं सिर्फ मेरे दोस्त मंथन को ही जानता था, पर अभी अक्षय, केवान, पार्थ वगैरह सब इतनी अच्छी दोस्ती होगी ना कि लाइक हम पहले से जानते हो, तो बट हमने पहले से कांटेक्ट किया था कि हम पहले मतलब साथ में रुकने वाले हैं, तो लाइक वैसा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वैसे ही पहले से कांटेक्ट बना के आओ। और लाइक कीजी और मार्केट प्लेस पे मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शन रहेंगे, पर उसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, मतलब इतना जल्दबाजी मत करना कि यही मिल रहा है यही ले लेंगे, बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि हमारी सिचुएशन में ऐसा था कि लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार तुम उधर जाओगे तुम्हें घर नहीं मिलेगा, वो तुम्हें घर बहुत ढूंढना पड़ेगा। नो डाउट कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको घर नहीं मिलेगा। अभी अच्छा आपको घर ढूंढना है तो लाइक थोड़ा बहुत तो टाइम और एफर्ट चाहिए होगा। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंस इतना है कि ऑनलाइन में अगर आप देख रहे हो और फिर आपके फ्रेंड को ऑफलाइन मतलब सही घर मिले वैसा ज़रूरी नहीं है, और फिर लाइक आपको रिग्रेट हो कि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतने महीने का आपने अग्रीमेंट साइन किया है, लीज साइन की है, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इधर जब आप आओगे या आपका फ्रेंड या कोई भी, तो इधर बाकी भी कुछ एजेंसीज है, उसमें से मैं 2-3 का नाम अभी बता रहा हूँ, स्काईलाइन और मारदा, इन दोनों के जो अपार्टमेंट हाउसेज वगैरह रहते हैं वो बहुत बढ़िया रहता है, मैंने मतलब खुद ही देखा है, उनका रेंट भी बहुत रिजनेबल रहता है। मतलब जैसे मारदा और वो है तो कई बार मतलब क्रेडेंशियल मतलब आपकी क्रेडिट मांगते हैं कि लाइक आपकी इधर मतलब 2-3 साल से रहते होने चाहिए, आपके फिक्स सैलरी वगैरह, मतलब आप रेंट, इन शॉर्ट आप रेंट पे करने के लिए एबल हो वो देखने के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप खुद की क्रेडेंशियल दो, आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी हो इधर का तो आप उसके क्रेडेंशियल पर भी आप घर फाइनल कर सकते हो, पर रेंट भी रीज़नेबल रहता है और घर और सब भी बढ़िया रहता है।
Charlie. Charlie. I like Charlie. Has he ever choked you? Oh, yeah. Oh. I just don't care. He's not strong enough to choke me out. So. Oh, really? What he'll do is, if I have him on my neck, yeah. Right, there'll be days where he'll wrap up. And oh, squeeze me. Yeah. Okay. And all I do is grab him. And just take him off. That's it. Just pull him off. That's all it is. Oh wow. These guys don't get big enough to be able to hurt. They're strong. Like anything. It has to be like a kid that's under three. तो मैं लीज़ का बता रहा था. तो लीज़ का ऐसा सीन है कि आप 6 महीने 12 महीने 8 महीने मतलब डिपेंडेंट ऑन ओनर कि आपको कैसे लीज़ दे रहा है. पॉसिबल है कि वो मतलब आपको बोले कि 12 महीने की लीज़ साइन करनी पड़ेगी. अगर आप ऑनलाइन हो, ऑनलाइन उससे बात कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उससे मतलब उससे बात करके वो लीज़ 8 महीने या 6 महीने की करवाओ. अगर आप घर कन्फर्म कर रहे हो, मतलब अपना आप हाउस कन्फर्म कर रहे हो तो, और अगर नहीं कर रहे हो इधर आके कर रहे हो तो भी आप घर देख के आपको पता चली जाएगा कि आपको 6 महीने रुकना है, 8 महीने रुकना है, 12 महीने रुकना है. और वो उतना मतलब मैटर नहीं करेगा बिकॉज हर एक इंटर्न में नए नए स्टूडेंट आते रहेंगे. तो इन केस आपको घर नहीं पसंद आ रहा है या तो आपको मूव करना है तो आप दूसरे स्टूडेंट से बात करके उनको वो घर सजेस्ट कर सकते हो जो नया ढूंढ रहे हैं. तो लीज़ का उतना नहीं मैटर करता, बट इन द बिगिनिंग अगर ओनर आपसे बोले कि लीज 12 महीने की होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8 महीने या 6 महीने की करवाओ. कई बार ऐसा पॉसिबल भी है कि आपके पास स्कैम भी हो सकता है. तो स्कैम से बचने के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया से पैसे ना भेजें और इधर आके आप मतलब जो भी अपना आपका मीडिएटर है या ओनर है उसको इधर आके पैसे ट्रांसफ़र करो. और मतलब स्कैम मतलब ऐसे स्कैम भी है कि कई बार घर होता ही नहीं है. अगर आप बात नहीं कर रहे हो किसी अपने इधर के लड़के मतलब जो कनाडा ऑलरेडी है या फिर ओनर पे डायरेक्टली ट्रस्ट करते हो विदाउट लाइक वेरीफाइंग द हाउस तो फिर पॉसिबल है कि आपके पूरे पैसे भी जा सकते हैं. मतलब आपके साथ स्कैम हो सकता है और कई बार हुआ भी है. मतलब कई स्टूडेंट ने ऐसा बोला भी है कि मेरे पैसे फंस गए हैं. अभी हमारा एक्सपीरियंस तो मैं बाद में लास्ट वीडियो के एंड में शेयर करता हूँ. बट इधर आओ, घर देखो, ओनर से साथ डायरेक्ट मतलब कॉल पे बात करो कि हाँ मैंने घर फाइनल कर दिया है, लीज़ में साइन करने वाला हूँ. ओनर लीज़ पेपर भेजेगा, आपको साइन करना है जितने भी मेंबर आप रहने वाले हो और उसके बाद आप आराम से रेंट भेज सकते हो क्योंकि लीज़ साइन होने के वक्त ही आपको रेंट भेजना होता है वैसे तो. और इधर के मतलब प्राइजेज अभी लाइक वेरी करते हैं. मतलब हाउसेज प्राइज लाइक अभी इधर आप मैं विंडसर में हूँ तो विंडसर कंपेयर टू अदर प्रोविंस एंड अदर सिटीज़ बहुत चीपर है. ऐसा मेरे को मतलब सबने बोला है, मेरे को भी नहीं आइडिया बाकी सिटीज़ का, मगर मेरे को ऐसा सबने बोला है. तो आप इधर मतलब बाकी के जो दोस्त हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, बाकी सबका प्राइस क्या है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका सही रेंज में है. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वो बहुत ऊपर की प्राइस बताएंगे, आप बोलोगे कि हाँ ये घर के हिसाब से तो यही होगा, बट वो वैसा नहीं होता, उस स्ट्रीट के हिसाब से होता है. लाइक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के नज़दीक में जो स्ट्रीट होगी तो मे बी वो ज़्यादा रेंट मांग सकते हैं आपके पास. जो दूर है वो रेंट कम मांगेगी, तो ऐसा वैसा होता है. घर देखना, घर में और क्या चीज़ें देखनी है. और सॉरी मैंने शायद इन्वॉल्व मतलब यूटिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं बोलना रह गया तो मैं अभी बता देता हूँ. यूटिलिटीज़ में हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़ का मैं इंक्लूड करना मतलब पहले भूल गया था. यूटिलिटीज़ में क्या है कि हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वेस्टेज, वाटर जो यूज़ हो रहा है वो सब आपको मतलब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंक्लूडेड है, कौन कौन सी नहीं है, बिकॉज वो भी बहुत मैटर करेगी इन द एंड ऑफ लाइक एंड ऑफ द मंथ. तो आप उसका भी ध्यान रखना. और हाँ, घर देखने के वक्त एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब भी देखो देखना कि रेट फ्री हो, जो पूरी स्ट्रीट है वो रेट फ्री हो, कॉकरोचेज फ्री हो, मतलब लाइक इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए और मेन इंपॉर्टेंट बात बग्स फ्री होनी चाहिए, तभी आप आराम से रह पाओगे उधर. और बाकी इतनी मतलब वो असल मत करो कि ये घर इतने में, ये घर उतने में, ढूंढो आराम से, आपको घर बहुत अच्छा मिल जाएगा. आप उधर इंडिया या उधर ऑनलाइन, मैं तो प्रीफर करता हूँ कि आप ऑफलाइन मोड से, क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस है
और मेरे जितने भी मेरे साथ फ्रेंड्स हैं उनका सब भी सेम एक्सपीरियंस है कि आप ऑनलाइन से देखोगे और ऑफलाइन से देखोगे, दोनों में बात जिनका डिफरेंस है, मतलब ऑनलाइन में मत जाओ ऑफलाइन में, मतलब आप इधर आओ। अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लाइक हम मेरे और मेरे फ्रेंड ने क्या किया था कि घर पहले से ही उधर से इंडिया से डिसाइड करके फाइनल कर दिया था। इधर आए, घर पसंद नहीं आया, अभी उसको मतलब क्या रेंट पे कर दिया था हमने, तो हमारे पूरे $4,000, मतलब हम 6 जन रुकने वाले थे, एक 2 BHK था, 2 BHK या 3 BHK था सॉरी। और मतलब आपको मैं शायद एड्रेस भी बता सकता हूँ, बिकॉज उसने उस घर ने मतलब उस अपार्टमेंट ने बहुत सारे स्कैम किए इधर विंडसर में, और बट लाइक हमें वो घर चाहिए ही नहीं था, घर तो मिल रहा था बट हमें वो चाहिए नहीं था बिकॉज उधर होमलेस पीपल का बहुत प्रॉब्लम था। अब हाँ या होमलेस अगर पीपल मतलब पर्सन आजू बाजू नहीं है वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ की सिक्योरिटी और पुलिस सर्विस बहुत अच्छी है, बट वो भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे मुझे इधर का विंडसर का पता है कि मुझे कौन सी जगह पर नहीं जाना, मैं इधर आ रहा था तभी सब ने बोल दिया था कि इधर सैंडविच स्ट्रीट करके कोई जगह है, मतलब लाइक बियॉन्ड दी एम्बेसडर ब्रिज, कि उधर मुझे रात को नहीं जाना, तो बिकॉज उधर प्रॉब्लम रहती है। और होमलेस पीपल का तो ऐसा है कि आपको मतलब ट्राई करेंगे कि वो परेशान करें, बट ऐसा कुछ उतना है होता नहीं है, वो खुद ही डरते हैं, तो घर पे घर देखने के वो भी एक ध्यान रखना है। तो लाइक हमारा जो एक्सपीरियंस था तो उसमें मैं अभी कहानी से भटकता नहीं हूँ, लास्ट कहानी पे आता हूँ। तो कहानी ये है कि हमने घर फाइनल कर दिया था, रेंट भी पे कर दिया था, पर इधर जब एक मतलब हमारे दुख का एक लड़का आता है उसने देखा कि इधर कुछ भी होमलेस पीपल लॉबी में घूम रहे हैं और अपार्टमेंट भी एज मतलब उतना अच्छा नहीं था, तो फिर हमें तुरंत दूसरा घर ढूंढना पड़ा। तो इसीलिए मुझे पहले वीक में बहुत प्रॉब्लम आई, मतलब मुझे नहीं मेरे साथ जितने भी थे उतने को घर ढूंढा, नया मतलब नया सब रेंट सब पे करना था, लीज साइन करनी थी वगैरह, जो पुराना था वो तो अभी भी फंसा हुआ है, मेरे को 2 महीने हो गए। तो आप पहले नज़ारा देख लो, वैसे इधर वेदर बहुत चील है अभी समर के हिसाब से, आप इधर सुबह शाम कभी भी जॉगिंग चलने के लिए मतलब घूमने के लिए कभी भी आ सकते हो, और इधर का जो नज़ारा रहता है काफ़ी सुंदर रहता है, इसीलिए मैं कभी कभार जब शांति की इच्छा हो तब आ जाता हूँ। तो और कोई क्वेश्चन हो आपको घर के रिलेटेड या मुझे कुछ भी याद आया नया तो मैं इसमें इन्वॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड यू हैव गॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड टाटा बाय बाय, सी यू सून।